चाइना रिलायंस कम्युनिकेशन आज भी 2.5% नीचे है, ये कर्व में भी है, इसलिए फ्रेश पोजीशंस तो बनेंगी नहीं। मेरा ना एक बेसिक सवाल है, एक साल के अंदर ये शेयर 60% टूटा है, ये अभी खबर डिफॉल्ट की अभी आई है, ये अभी सेटल हो गया है या फिर ये दूसरा किंगफिशर बनने की तैयारी में है? क्या इसको जिस रेट पे लेंगे वहीं से फंसना शुरू हो जाएंगे ये 20 से 19 से 18 से 16 से 13 से भी, या फिर ये एक जगह पे आके रुक जाएगा उसके बाद चलना शुरू हो सकता है? ऐसे कई शेयर हुए भी हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता दूं, हालांकि वो डेट से बाहर नहीं निकले लेकिन 6 रुपये का JP 15 रुपये भी हो गया था जब यूपी के इलेक्शन हो रहे थे और ट्रेडर्स को ये बहुत पसंद आता है, देखिए 18 रुपये है जाने के लिए क्या होगा, 2-3 रुपये का लगा लेंगे रिस्क, आया तो कम से कम 10% भी चलेगा तो हमको पैसे दे जाएगा। मेरे हिसाब से ये थोड़ा कंसोलिडेट होके आई थिंक इट मे मूव अप। मैं इसको हाई रिस्क स्टॉक मानती हूँ लेकिन आई वुड बी अगर है तो मैं कंटिन्यू टू होल्ड करूँगी ये स्टॉक, सिंपल फॉर द रीज़न बीइंग दैट मैनेजमेंट ने हमको बताया है कि देर इज़ सम वे फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ जो डेट है उसको सेप्टेम्बर एंड तक वो स्टेबलाइज करेंगे, दे आर टॉकिंग ऑफ पेमेंट्स। दूसरी बात है कि उनके जो ग्रुप कंपनीज है वो काफ़ी अच्छे कर रहे हैं, आई वुड से सो। सो टू दैट एक्सटेंट ये ग्रुप आई वुड नॉट कंपेयर इट विद JP, आई थिंक देर इज़ अ बेटर पॉसिबिलिटी कि ये प्रॉब्लम से निकल जाए। और जो उनके टाई अप्स है विद अदर टेलीकॉम कंपनीज वो ऑफकोर्स इट्स नॉट गोइंग टू यू नो गिव इट पॉजिटिव एबिटा अर्निंग्स गोइंग फॉरवर्ड, लेकिन एटलीस्ट स्टेबलाइज होके आई थिंक I don't think this company will vanish totally. चलिए खैर कंपनी तो वैनिश होगी नहीं, लेकिन जो वैनिश हुआ है यहाँ पर एक्चुअली वो मुनाफा है, किसी को मिला नहीं है शेयर होल्डर को। लेकिन SBI जो कि सबसे बड़ा लेंडर है रिलायंस कम्युनिकेशन और कई टेलीकॉम कंपनीज का, उनका टेलीकॉम सेक्टर पर इस समय व्यू क्या है ये एक बार सुन लेते हैं। अनयूटिलाइज्ड लिमिट एज अ मैटर ऑफ जनरल प्रैक्टिस और जनरल बैंकिंग साउंडनेस वी डू रिव्यू all the accounts irrespective of which sector it is including telecom, and we try and say that in terms of saving or on capital we do take a informed decision to try and use limits where it is required. Yep. And that is about all, and there is nothing else that has happened. बिल्कुल, खैर चलिए SBI जो है वो भी इस समय थोड़ा सा तो रोशन यहाँ पर फ्लैटिश ही है, पर ये ज़रूर है कि कम से कम जो PSU बैंक है उसे लेकर जो कंसर्न है उसकी तुलना में अगर हम देखें तो SBI थोड़ा सा सेफ माना जा सकता है। SBI पर राजेश आपका टारगेट क्या है, क्योंकि वो देखिए ये और ICICI दोनों में ये प्रॉब्लम हुई, ICICI थोड़ी बहुत रिलीफ इसने ज़रूर दी, इनफैक्ट कल ही मैं किसी से बात करा तो उन्होंने कहा कि 370 तक ये जा सकता है, लेकिन ICICI हेमंत ठुकराल ने कहा ये 320 पर है, SBI 300 के नीचे ही रह गया रिजल्ट के बाद भी, दोनों पर आपका व्यू क्या है लेगार्ड्स पर? देखिए ICICI बैंक की बात करूं प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा बैंक है और मुझे लगता है कि जिस तरीके के नतीजे पिछले दिनों देखने मिले थे उसे देखते हुए थोड़ी बहुत सुधार के बिल्कुल संभावना बनती है। थोड़े से भी NPA के इश्यूज दोनों बैंकों में ये दोनों ही क्यों पूरे सेक्टर में भी अगर होता है तो मैं समझता हूँ कि सब में अच्छी बढ़त होगी। SBI चूँकि सबसे बड़ा प्लेयर है इस स्पेस में, मुझे लगता है कि पहले वहाँ पे होगी, एसेट क्वालिटी भी पहले से बेहतर होती हुई नज़र आई है, इन्होंने कई क्वार्टर्स से एसेट क्लीन अप करने की बैलेंस शीट क्लीन अप करने की जो काव्यात छिड़ी हुई है उसका भी फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आया है। 270-275 एक बहुत सेफ लेवल माना जा सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए, ऊपर में 320-325 के टारगेट के साथ इसमें निवेश किया जा सकता है। जहां तक ICICI का सवाल है मैं कहूंगा थोड़ा सा रुक जाएं, सामने में इनके 10 पे एक बोनस आने की डेट आ रही है तो एक बार बोनस निकल जाए उसके बाद खरीदारी करें, नीचे के लेवल एक्स बोनस हमें लगता है 290-280 तक मिल जाएंगे वहाँ पर निवेश करें और 325-330 एक्स बोनस के टारगेट रखें। ठीक है, वैसे क्वार्टर टू क्वार्टर काफ़ी कंपनीज में चेंजेस हो जाते हैं, जैसे ICICI बैंक आप इसके पिछले से इस बार के क्वार्टर देखेंगे ना तो 300 का ये स्टेबल कर चुका है, ज़्यादातर एनालिस्ट आपको टेक्निकल एनालिस्ट 300 का एक स्टॉप लॉस देंगे और अब बड़ा मूव में 370 आ जाएगा। लेकिन एक शेयर जो क्वार्टरली बेसिस पर बिल्कुल नहीं बदला वो है टाटा मोटर्स, पिछले 3 महीने का रिटर्न ऑलमोस्ट फ्लैट, ना ही चला ना ही टूटा आपके सामने, ऑलमोस्ट फ्लैट 466 का था आज भी 466 का ही है। आप इसको राकेश लेंगे अगले क्वार्टर के लिए? नहीं डिम्पी, इसी सीरीज के लिए लेंगे और इस स्टॉक में एक अच्छा उछाल मुझे 480 के लेवल्स इमीडिएटली दिखते हैं और जिस तरीके से टेक्निकल पैटर्न है, एक शेकआउट था जो अभी रिसेंटली हमने
ऊपर से एक गिरते हुए देखा था, 453 के अराउंड स्टॉक ने एक अच्छा बनाया, बेस बनाया है, और स्टॉक को डिम्पी बिना किसी डाउट के खरीद के चलना चाहिए। बिल्कुल। खैर चलिए एक बार आईटी स्टॉक्स को देखते हैं। आज सुबह से इतना न्यूज फ्लो रहा आईटी पर, कुछ उसमें से न्यूट्रलाइज हो गया लेकिन कुछ जो था वो बरकरार भी रहा। जैसे विप्रो ने यूएस एसईसी की फाइलिंग में ये कहा है कि इंडियन आईटी पर सबसे बड़ा खतरा इस समय प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का है, और ये विप्रो देखिए सुबह खबर आई तब से लेकर प्रेशर में है, अब भी यहाँ पर 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। खबर तो खैर सुबह और एक भी आई थी इन्फोसिस पर कि प्रोमोटर्स जो फाउंडिंग प्रोमोटर्स हैं वो कंपनी से एग्जिट करना चाहते हैं, लेकिन उसका फिर विशाल सिक्का ने खंडन कर दिया। शाइना, विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, क्या कर रही हैं आप? देखिए अभी तो मैं फॉर सम मंथ्स अवॉइड करूंगी, बेसिकली बिकॉज मेरे हिसाब से जो इन्फोसिस पे जो न्यूज़ है वो अगर बाय चांस सच निकलती है तो ओवरऑल सेक्टर पे काफ़ी प्रेशर होगा। दूसरी बात, टीसीएस एक्सपेंसिव स्टॉक है, और अगर आप देखो उनका जो बायबैक है 31 मई को ख़त्म हो चुका है, तो वहाँ से भी प्रेशर आ सकता है। एंड विप्रो ने ऑलरेडी अलार्म बेल्स रिंग कर चुके हैं कि हो सकता है उनके मार्जिन पे ट्रम्प के पॉलिसीज के हिसाब से थोड़ा बहुत प्रेशर होगा। सो दो पूरा सेक्टर चीप है, आई थिंक कोई रश करना नहीं चाहिए टू बाय इट, वन कैन जस्ट वेट, एंड देन अगर टर्न अराउंड होता है ओवरऑल सेक्टर में देन इट इज बेटर टू पिक अप, अभी थोड़ा दूर ही रहना बेटर रहेगा। इस बीच एक खबर है यूके से, एजेंसी के हवाले से खबर आई है कि इंग्लैंड में डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी करके एक पार्टी है, उसके साथ कंजर्वेटिव पार्टी की जो प्राइम मिनिस्टर है, आई मीन प्राइम मिनिस्टरल कैंडिडेट भी हैं और अभी यूके के करंट प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे, उन्होंने उसके साथ समझौता किया है, तो डीयूपी डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी को सपोर्ट करेगी, यानी फिर से सरकार जो है थेरेसा मे की बन सकती है। एजेंसी के हवाले से खबर आई है अभी अभी फिलहाल एजेंसीज के हवाले से, लेकिन ये खबर यूरोपियन मार्केट आप देख सकते हैं इस समय यूएस डॉलर की तुलना में स्टर्लिंग पाउंड आज अभी भी प्रेशर में है, करीब 2% नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है। अब अगर ये सिनेरियो इमर्ज होता है तो ब्रेक्जिट कितना रीनेगोशिएट होगा, क्या थेरेसा मे करना चाहेंगी, लुकिंग एट द मूड ऑफ द पीपल, लुकिंग एट द वे दे वोटेड, हो सकता है शायद वो करना भी चाहे। लेकिन राजेश, ज़्यादातर हमने देखा है कि इस तरह की कंसर्न्स यूरोप की जो भी आती है ना, वो ना ही लिक्विडिटी के फ्लो को एक हद से ज़्यादा अफेक्ट कर रही हैं और ना ही सेंटिमेंट को, ब्रेक्जिट में भी हमने देखा था और अब यूके इलेक्शंस में भी हमने यही देखा। देखिए मीर, सही कहा आपने कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती हैं यूके से आती हुई न्यूज़, क्योंकि ब्रेक्सिट के टाइम में भी अगर आपको याद हो कि सिर्फ एक दिन, जिस दिन वो न्यूज़ आई थी उसी दिन एक बड़ा क्रैश देखने को मिला था, वो भी मेरे अंदाज से अगर मुझे ठीक से याद आ रहा है तो एंड सेशन में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली थी। वैसे ही अगर अभी भी होता है तो मुझे लगता है कि अगर कुछ होगा तो थोड़ा नीजक रिएक्शन होगा, खास करके उन आईटी और फार्मा कंपनीज़ के जिनका बड़ा एक्सपोजर यूके की साइड है। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि पूरे भारतीय बाजार पे इसके कोई कंबाइंड इफेक्ट ऐसा पड़ेगा जिसके कि पूरी मंदी आ जाए, इसलिए मैं कहूँगा कि नीजक रिएक्शन अगर आता भी है तो कोई अच्छी कंपनियाँ जहाँ करके बिजनेस मॉडल अच्छे हैं, प्रमोटर्स अच्छे हैं, आगे आने वाले दिन ग्रोथ अच्छे हैं और हम ये टारगेट बना रखे हैं कि हमें लेना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हम मारुति की बात कर रहे थे, तो अगर वहाँ कोई गिरावट आती है तो वहाँ उस न्यूज़ के कारण से तो वहाँ एक्युमुलेशन की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। ठीक है, तो दो चीज़ें बिल्कुल हमको अच्छी तरह से समझ में आई। मिहिर ने कहा कि लिक्विडिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और राजेश कह रहे हैं कि सेंटिमेंट पे और फंडामेंटल्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो दोनों चीज़ बाज़ार को चाहिए और वो चल रही हैं। लेकिन चलते चलते आपको फाइनल बेट बताते हैं, अभी फाइनल बेट कौन सा है ये देखते हैं। आज तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, बताइए क्या है प्लान आपका, फाइनल बेट का बताइए पहले। एक स्टॉक है टाटा ग्रुप समूह से, नेल्को, NELCO, जिसमें समझता हूँ कि खरीदारी बन सकती है। और इनफैक्ट मैं पहले बता दूं कि वीसेट कनेक्टिविटी और साथ ही साथ मेट्रोलॉजिकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है कंपनी, सरकार से कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं कंपनी को, जो लेवल जिस पे अभी खड़ा है ना, इसका लेवल का क्रॉस होने का मतलब ये है कि इसने 200 दिन की एवरेज को पार किया है अभी अभी, तो इस स्टॉक में कहीं ना कहीं टेक्निकली अब बाइंग कॉल इमर्ज हो सकती है। इंपॉर्टेंट ये भी है कि 4 हफ्ते से गिरावट में था और अब खरीदारी बन रही है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, इस हफ्ते में एक पुल बैक देखने को मिल रहा है जो इस हफ्ते के उच्चतम स्तर पर ले आया है नेल्को को। तकनीकी चार्ट पे 81.60 जहां पर इंपॉर्टेंट बेस बनाकर ये स्टॉक चढ़ा है, वही एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके आधार पर यहां पर खरीदारी बन सकती है। और जैसे मैंने कहा ये एवरेजेस आपकी स्क्रीन पे है 10 दिन 20 दिन,
सारी एवरेजेस अब क्रॉसओवर्स शो कर सकते हैं, तो टेक्निकली एक इंपॉर्टेंट लेवल पे 200 दिन की एवरेज पार, और जिस तरीके की वॉल्यूम एक्टिविटी देखने को मिल रही हो सकता है यहाँ से तेजी देखने को। आपने वो जब से शिवम ऑटो बताया ना, तब से मैं बड़ा ध्यान से सुनता हूँ कि फाइनल बेट को। खैर नेल्को में और एक ट्रिगर ये भी है, फंडामेंटल आधार पर इस बार कॉल नहीं दिया, इनफैक्ट यहाँ पर जो नतीजे आधार उसमें 3 गुना मुनाफा बढ़ता है। मार्केट में क्या होता है, चाहे फंडामेंटल ट्रिगर हो टेक्निकल, अल्टीमेटली भाव चलना चाहिए, जब वो चलता है ना तो वो रीजन ऑलवेज फॉलोज। नेल्को में और एक चीज ये भी है कि ये डिफेंस में ना एक्चुअली इंडियन आर्मी के लिए और पूरे आर्मी एयरफोर्स नेवी तीनों के लिए जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट होते हैं भारत में बनते हैं, उसका नेल्को बहुत बड़ा प्लेयर है, वो उनका सप्लायर भी और वो लाइसेंस प्लेयर है। ये एक ट्रिगर फंडामेंटल भी है इस पर। ये तो हुई फाइनल बेट की बात, आप कहाँ बेट कर रहे हैं आज शाम को, किस चीज़ की बेट यहाँ पर? फ्राइडे है, फ्राइडे है, उसके बाद चिल आउट है, 2 दिन की छुट्टी है, उम्मीद है छुट्टी है। चलिए उम्मीद करते हैं आपकी छुट्टी खराब नहीं हो, पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है पर छुट्टी जाने वाली है, आपने नहीं बताया आपकी छुट्टी जाने वाली है। एनीवेज नेल्को पर शाइना आपका व्यू क्या है नेल्को पर? जैसे अभी बताया रिजल्ट्स तो लास्ट क्वार्टर के बहुत ही बढ़िया थे, 60% प्लस आई थिंक प्रॉफिट उन्होंने अच्छा दिया हुआ है ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस, तो आई थिंक यहाँ से काफ़ी अपसाइड है। आई थिंक 100 के ऊपर तो वैसे भी उसका आई थिंक 1 ईयर हाई है, तो 20% अपसाइड तो यहाँ से लग ही रहा है फंडामेंटली। एक बार निफ्टी आप दिखाइए, इंट्राडे चार्ट 9680 के पास हो गया है, ये अभी अभी एकदम से सडन स्पाइक बाजार में आया दिन के उच्चतम स्तरों पे, ये 50 से लेके सीधा 74 जो भी आप स्क्रीन पर है, मात्र 1.5 मिनट के अंदर इसने 24 पॉइंट गेन कर लिए, और ये 24 पॉइंट आज पूरे दिन भर में नहीं कवर कर पाया था, बड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन 1 मिनट के अंदर इसने 24 पॉइंट का गेन दिखाया, और ये ऑलमोस्ट मीर उसी रेंज में आके रुक रहा है जहाँ पर 9680 का सप्लाई है, ये सप्लाई वाली रेंज पे आ गया। आज अच्छी चीज हमको सिर्फ दे दिखी कि 9600 बचाया, और कर वाली आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि 9600 से हम जितना दूर रहेंगे उतना फायदा है, उतनी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि हम 9700 की रेंज के अंदर एंट्री कर जाएंगे। तो फिलहाल आज अच्छे स्तर के साथ एकदम से बड़े मूव के साथ ये चला, और आप देखिए सिर्फ आईटी को अगर छोड़ देना तो ज़्यादातर सेक्टर्स अब धीरे धीरे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सुबह सरकारी बैंक नहीं थे वो भी आ गए, अब फार्मा से ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिल रहा था अब वो भी मिलने लग गया, मेटल्स में थोड़ी और गति आ गई, तो सभी सेक्टर्स मिलके आज बाजार को फिर चला रहे हैं। अच्छी चीज़ ये है ना कि आज एडवांस डिक्लाइन भी अगर आप देखें, मार्केट का एडवांस डिक्लाइन आप देखिए तो वो अच्छा है, जो बढ़ने वाले काउंटर्स हैं आप देखेंगे अगर दोनों पर ही BSE और NSE तो इवनली प्लेस रहा है मार्केट, झुकाव भले ही बढ़त की तरफ बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन ये गिरावट की तरफ भी नहीं रहा है जो कि अच्छी चीज़ है, BSE और NSE दोनों पर ही कोई। अब तो खैर 20-22 मिनट है राकेश, कोई स्टॉक्स आप देना चाहेंगे क्या मंडे के लिए ट्रेड के लिए? बिल्कुल मीर, जैसे अदानी मैंने रिकमेंड किया था, अदानी को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, टाटा मोटर ऑलरेडी रिकमेंड करा है, NIIT को बाय करके चलें, 84.5 का स्टॉप लॉस 95 के टारगेट के लिए। इसको छोड़ के भी मीर अगर आप देखें तो मेटल्स काफ़ी अच्छा लग रहे हैं, टाटा स्टील जिन स्तरों पर चल रहा है मीर आज की डेट में अगर आप देखें तो फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट 7% 7.5% है, मुझे टाटा स्टील में 2 महीने के अंदर 10% का मूव लगता है मौजूदा स्तरों से, 488 का एक स्टॉप लॉस लगा के 560 के लक्ष्य के लिए टाटा स्टील को बाय करके चले। ठीक है, ध्यान रखिए 488 का एक स्टॉप लॉस है और करीब 10% का रिटर्न यानी कि 50 से 60 रुपये आपको मिल जाएंगे टाटा स्टील पे। सुमित आपकी रिकमेंडेशन क्या है?